जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैरियर आफ्टर बीएड, यानी कि बीएड करने के बाद में आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। साथियों, टीचिंग का सभी को पता होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास कैरियर ऑप्शंस होते हैं जब हम बीएड अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो पूरी डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस किस के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं बीएड करने के बाद। तो वीडियो बहुत खास होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आपका बीएड में सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका टीचर, यानी कि आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब टीचर में भी आपके दो पार्ट होते हैं, एक आपका गवर्नमेंट और एक आपका होता है प्राइवेट। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट की बात करेंगे। गवर्नमेंट के लिए आपको क्या करना होता है, टेट का एग्जाम पास करना होता है। हर स्टेट में टेट का एग्जाम होता है, यानी कि जैसे हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो क्या होता है हमारा यूपी टेट। यदि हम आपका उत्तराखंड में बात करें तो क्या होता है भाई, आपका यू टेट होता है। यदि हम हरियाणा में बात करें तो रीट होता है। तो इस तरीके से अलग अलग आपका क्या होता है, अलग अलग स्टेट में टेट का एग्जाम कराया जाता है। टेट बोले तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि टेट का एग्जाम पास करने के बाद आप क्या हो जाते हैं, टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। यानी कि बीएड आप करेंगे, बीएड के यदि फाइनल ईयर में है तो भी आप टेट का फॉर्म भर देते हैं। और इसके बाद में आपको अपनी स्टेट का सुपर टेट का एग्जाम पास कर लेते हैं यदि आप, तो उसके बाद में जो वैकेंसी आती है गवर्नमेंट की, किसके लिए, प्राइमरी के लिए और सेकेंडरी के लिए, यानी कि प्राथमिक के लिए जो भी वैकेंसी आती है, तो उसमें आप फिर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें मेरिट के बिहाफ पे यदि आपकी रैंक अच्छी आई है तो आप गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं। तो यानी कि आप इसमें बीएड करने के बाद में आपका प्राइमरी से लेकर और 8th 10th क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। तो यानी कि आप क्या कर सकते हैं भाई, पहले बीएड करने के बाद टेट का एग्जाम क्लियर करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे आप, फिर सुपर टेट, यानी कि जो आपके स्टेट के लिए एग्जाम कराया जाता है, तो सुपर टेट का एग्जाम क्लियर करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, आप क्या दे सकते हैं भाई एग्जाम, जब बीएड आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बीएड कंप्लीट करने के बाद आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। किसका, सीटेट। अब सीटेट बोले तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो कि पूरे भारतवर्ष के लिए कंडक्ट कराया जाता है। अब इस एग्जाम को देने के बाद में आपको क्या बेनिफिट होगा, जब आप इस एग्जाम को देते हैं तो इस एग्जाम को देने के बाद में आपकी जो केंद्रीय विद्यालय की जॉब निकलती है या फिर जो और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब निकलती है टीचिंग के लिए, उनके फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने टेट का एग्जाम पास किया हुआ होगा। यदि आपने टेट क्लियर नहीं किया हुआ है तो आप उन फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि आपको यदि केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेट का एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है, ये हो गया हमारा टीचिंग में। टीचिंग के बाद में, इसके बाद में जब आप बीएड कंप्लीट कर लेते हैं तो बीएड के बाद आप क्या कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं, यानी कि अपनी मास्टर डिग्री कर सकते हैं। बीएड आपकी बैचलर डिग्री है और इसके बाद में यदि आपको मास्टर होना है तो आपको क्या करना होगा, एमएड करना होगा। अब एमएड करने के क्या फायदे हैं, यदि आप बीएड के बाद एमएड करते हैं और किसी कारणवश आपको गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप एमएड के बाद बीएड के लिए जो कॉलेजेस होते हैं उसमें एज अ टीचर आप पढ़ा सकते हैं, यानी कि बीएड वालों को आप पढ़ा सकते हैं। तो यानी कि यदि आप एमएड कर लेते हैं तो जितने भी आपके बीएड के कॉलेज हैं उसमें आप एज अ फैकल्टी काम कर सकते हैं। इसके बाद में एमएड के बाद आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, यानी कि जब आपका एमएड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं एजुकेशन में। यानी कि बीएड करने के बाद में आप डायरेक्ट पीएचडी नहीं कर सकते, क्योंकि बीएड क्या है, बैचलर डिग्री है। तो इसके बाद में आपको एमएड करना कंपलसरी ही होगा। पीएचडी हर किसी का सपना होता है, तो पीएचडी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीएड के बाद फिर एमएड करना होगा यदि आपको एजुकेशन में डॉक्टरेट होना है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, आगे बात करने से पहले मैं आपसे, यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड के लिए हम हर साल सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आपको भी बीएड में एडमिशन लेना है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो साथियों अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि बीएड जब आप एमएड कर लेते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। किसके लिए, फिर बीएड के लिए, यानी कि बीएड वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं एमएड करने के बाद में। इससे नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, आप कंटेंट राइटर, यानी कि जो बुक के कंटेंट या आपको कोई बुक वगैरह रिटन करनी है, ये सब सारी चीजें करनी है, कंटेंट राइटर आप क्या बन जाते हैं, कंटेंट राइटर, यानी कि आप कंटेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट है,
नेक्स्ट करियर ऑप्शंस और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है भी आपका क्या, स्कूल टीचर। यानी कि यदि आपको गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जैसे मैंने आपको बताया ये तो हो गया क्या हमारे भाई गवर्नमेंट के ऑप्शन, यदि आपको गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो अब जितने भी CBSE बोर्ड के स्कूल हैं, आपके ICSE बोर्ड के स्कूल हैं या UP बोर्ड यानी कि या अपने स्टेट के बोर्ड हैं, तो उनके लिए अब क्या कर दिया है कि आपने यदि BEd किया हुआ है तो तभी वो टीचर रखते हैं, यानी कि तभी आप उन स्कूल्स में आप टीचर बन सकते हैं। उन्होंने अब कंपलसरी कर दिया है CBSE ने भी और आपका ICSE, काफी सारे या तो आपने मास्टर डिग्री की हुई हो या फिर आपने अपना BEd कंप्लीट किया हुआ हो, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यदि आपको गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं होता है। या फिर गवर्नमेंट के सिलेक्शन के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, यदि जैसे आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप अपना जो है एज अ प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं उनमें आप टीचर बन सकते हैं, उनमें भी काफी अच्छी सैलरी होती है यदि आपके अपने टॉपिक पर कमांड अच्छी है। इसके बाद में नेक्स्ट है आप एजुकेशन कंसल्टेंट बन सकते हैं, यानी कि यदि आप एजुकेशन में जाना चाहते हैं, एजुकेशन में वर्क करना चाहते हैं, भाई BEd किया है तो एजुकेशन में ही जाना है, और उसमें यदि आप एज अ करियर काउंसलर या आप किसी को एडवाइस देने के तौर पे काम करना चाहते हैं, अपनी फर्म खोलना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या बन सकते हैं, एज अ एजुकेशन कंसल्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि BEd करने के बाद आपको एजुकेशन के बारे में सब सारी नॉलेज हो जाती है। इससे आगे नेक्स्ट है आपका एजुकेशन रिसर्च, यानी कि एजुकेशन रिसर्चर आप बन सकते हैं, यानी कि एजुकेशन के ऊपर BEd करने के बाद में आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप अपना जो है कुछ भी राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। PhD तो होल्डर आप नहीं होंगे लेकिन आप अपना कोई भी रिसर्च कर सकते हैं, और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। इससे अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, आप अपना स्कूल खोल सकते हैं, आप यदि अपना स्कूल भी नहीं खोलना चाहते हैं, आपकी कमांड अच्छी है, तो आप किसी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद में प्रमोशन के तौर पर आप क्या है प्रिंसिपल भी बन सकते हैं। तो साथियों आप जितना कर सकते हैं यानी कि BEd करने के बाद में यदि आपकी कमांड अच्छी है तो करियर काफ़ी अच्छा है, स्कोप काफ़ी अच्छा है, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आती हैं। जैसे कि अभी हम दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, DSSB में भी वैकेंसी आई हुई हैं, और हर साल जो आपका प्राथमिक विद्यालय है उनके लिए तो वैकेंसी बहुत ज्यादा आती ही है, कैरियर काफी अच्छा है। अब BEd की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 लाख सीट के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है और इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं लगभग 5 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए हैं, तो यानी कि अब BEd का जो आने वाले टाइम में है काफी ज्यादा क्रेज है, क्योंकि BEd में सैलरी अच्छी खासी रहती है, यानी कि टीचर जो यदि आप टीचर बन जाते हैं तो सैलरी अच्छी खासी होती है टीचर की, दूसरा टाइमिंग सबसे कम होता है, तो यानी कि बहुत अच्छी जॉब होती है टीचिंग की, तो BEd को काफी अच्छा कोर्स माना जाता है, आप BEd कर सकते हैं। यदि मेरी राय माने आप तो BEd आप जरूर कीजिए, यदि आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप BEd कीजिए, और BEd करने के बाद में आप BEd अपने सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, यानी कि यदि आपने कुछ भी ग्रेजुएशन में कुछ भी किया है, ऐसा नहीं है कि आपने BA किया है, BCOM किया है, BSc किया है तभी आप BEd कर सकते हैं, आपने कुछ भी किया है, BTech किया है, BBA किया है, BCA किया है, यानी कि कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास में है तो आप अपने सब्जेक्ट से BEd कर सकते हैं। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।